लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री मोदी से गुजरातियों का मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी से मोह भंग होना बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम तो बिल्कुल भी नहीं। चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इस बार ऐसा लग रहा है कि मात खा सकती है, क्योंकि गुजरात वासी ही उनसे खफा चल रहे हैं। 27 सालों से सत्ता में बैठी भाजपा गुजरात में इस बार सहमी हुई है कि हाथ से सत्ता फिसल ना जाए, और ऐसा ही लग भी रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इससे पीएम बनने से पहले 13 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त गुजरात में उनकी लोकप्रियता बढ़ चढ़कर बोलती थी, लोग सुनने आते थे, लेकिन अब समय के साथ उनके केंद्रीय नेतृत्व को लेकर शायद गुजरात में लोग अब खुश नहीं। जिस हिसाब से देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उससे यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नाराजगी सिर्फ देश के बाकी हिस्सों में नहीं, उनके गृह राज्य गुजरात में भी है। तभी तो अपने स्क्रीन पर आप एक विजुअल्स देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में कुर्सियां लगी हुई हैं और ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और इस कुर्सियों पे लोग नहीं हैं, बैठने के लिए कोई नहीं है, मतलब सुनने के लिए कोई नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि गुजरातियों का मोह भंग प्रधानमंत्री मोदी से हो गया है? गुजरातवासी को फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्रधानमंत्री या उनके ही गृह राज्य का व्यक्ति भाषण कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, तो सुनने आए कोई नहीं आ रहा। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं इस बार गुजरात में बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। बड़े बड़े ताकतवर नेता भी अगर गुजरात पहुंच रहे हैं तो उनका बायकॉट हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है। यह विजुअल्स जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें खाली कुर्सियां भी यही बयान करते हुए नजर आ रही है कि अब अमित शाह आ जाए या फिर प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात की जनता ने जो मन बना लिया है अब वह फैसला करके रहेगी। इसलिए बीजेपी को वहां भारी टेंशन हो रही है। इस वीडियो को शेयर किया है अंकित पोपट नाम के ट्विटर यूजर ने और उन्होंने गुजराती में जो लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं उसका हिंदी मतलब बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है, राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में बने 5 गुंबदों में से 2 गुंबद पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान और उसके पहले खाली हो गए, जो चुनाव से पहले संगठन के खराब कामकाज का सबूत है। क्या नगर भाजपा संगठन मंथन करेगा? ये पूछ रहे हैं और चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं, शायद भाजपा से कनेक्टेड होंगे, कि भाजपा का जो संगठन है इस बात पर मंथन करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करना चाहते हैं, भाषण कर रहे हैं, स्क्रीन पर भाषण भी चल रहा है, तो भी जो अलग अलग गुंबद बनाए गए हैं इतने बड़े ग्राउंड में, हजारों हजार कुर्सियां लगा दी गई हैं, उस कुर्सियों पर लोग क्यों नहीं है, उन्हें सुनने कोई क्यों नहीं आ रहा है? तो इस सवाल का जवाब तो भाजपा ही बेहतर दे पाएगी, लेकिन गुजरात की जनता जवाब दे रही है अभी से ही कि विधानसभा चुनाव में 27 सालों की हुकूमत को दरकिनार करते हुए नए विकल्प की तलाश गुजरात की जनता कर रही है, इससे साफ संकेत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी भी अब जब गुजरात जा रहे हैं तो वे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जो है ध्यान रखे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं, खुद भी ऐसे कदम उठा रहे हैं, जिसे देखकर यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे की रणनीति के आगे खुद को कमजोर महसूस कर रही है। तभी तो स्कूल का मॉडल और शिक्षा का मॉडल जब केजरीवाल ने पेश किया तो यह देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े नेता अब मॉडल स्कूल में घूम रहे हैं। यह तस्वीरें भी सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी क्लासरूम में छात्रों के बीच बैठे हुए हैं, तो यह तो केजरीवाल का मॉडल है और इसे केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने हाथों हाथ ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में ट्वीट भी किया, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीरों को साझा करते हुए केजरीवाल ने क्या लिखा है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए न्यूज 18 इंडिया का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उसमें उन्होंने पहले लिखा कि मुझे बेहद खुशी है कि आज देश की सभी पार्टियों और नेताओं को शिक्षा और स्कूलों की बात करनी पड़ रही है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं उम्मीद करता हूं कि केवल चुनाव के दौरान शिक्षा याद ना आए,
सभी सरकारें मिलकर महज 5 साल में सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बना सकते हैं। फिर उन्होंने अपने ही ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, पीएम सर, हमने दिल्ली में शिक्षा में शानदार काम किया, 5 साल में दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, पूरे देश के स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, हमें अनुभव है, आप हमें पूरी तरह इसके लिए इस्तेमाल कीजिए, प्लीज मिलके करते हैं ना देश के लिए। केजरीवाल भी लगे हाथ मौके पर चौका मार रहे हैं कि मोदी जी और पूरी भाजपा जब बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है, उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो मैनिफेस्टो है, उनके कामकाज है, वह जनता पसंद कर रही है, तो बीजेपी भी उसे फॉलो करने पर लगी है। लेकिन फॉलो करने वाले कहां जीतते हैं, वो तो फॉलोअर कहलाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम कांग्रेस की चर्चा करेंगे, मोदी जी को कांग्रेस की रणनीति भी जो है दिमाग में टेंशन दे रही है, उन्हें परेशानी इस बात से है कि कांग्रेस इस बार खुल के मैदान में दिख क्यों नहीं रही है। इसके लिए जो उन्होंने बातें कही है वो भी हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन केजरीवाल ने मौके पर चौका लगा दिया है, साथ ही साथ केजरीवाल पर अब निशाना भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में साधने लगे हैं। अब गुजराती में वो भाषण दे रहे थे, लेकिन इसे गुलाब सिंह यादव, आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने जो शेयर किया है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। गुलाब सिंह यादव ने लिखा कि जनाब ने आज बिना नाम लिए ये मान लिया लड़ाई भाजपा और आपके बीच है। ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक क्लिप शेयर किए हुए, गुजराती में मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उसी में वो बता रहे हैं कि जनाब ने आज बिना नाम लिए ये मान लिया लड़ाई भाजपा और आपके बीच है। केजरीवाल से इतना डर क्यों साहेब, कुछ काम किया होता तो आज ये हालत ना होती। विशेष पूरे भाषण में कांग्रेस गायब थी, इस वीडियो में कांग्रेस गायब थी, भाषण में मोदी जी ने चर्चा नहीं की, लेकिन मोदी जी ने जो कांग्रेस पर चर्चा की है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन यहां पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को अब अरविंद केजरीवाल से टेंशन होने लगी है। तभी तो भाषण में बिना नाम लिए जिक्र भी कर रहे हैं और लड़ाई में आप और भाजपा को ही बता रहे हैं। अब कांग्रेस की बात मोदी जी ने क्या कहा, उसके लिए अब आप एबीपी न्यूज का यह स्क्रीनशॉट देखिए, यह खबर देखिए, हेडलाइन में ही है, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात विजिट, गुजरात में पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को क्यों किया आगाह, यहां जाने बड़ी वजह, भाजपा कार्यकर्ताओं को आगाह किया है किससे, कांग्रेस से। देखिए अपने स्क्रीन पर बता रहे हैं क्या कारण बताया गया। उन्होंने आनंद जिले के वल्लभ विद्यानगर में बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है, मैंने जांच नहीं की है लेकिन सरसरी तौर पर मुझे ऐसा लगता है। मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती विधानसभा चुनावों में कांग्रेस काफी शोर शराबा किया करती थी और बीजेपी का सफाया करने की शेखी बघारती थी। उन्होंने कहा लेकिन 20 वर्षों से हम नहीं हारे, इसलिए उसने कुछ नया किया है, इसी कारण हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वह गुजरात के 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की रणनीति से भी अब टेंशन हो रही है कि इस बार खामोशी से कैसे मैदान में ये लोग डटे हुए हैं, क्या सब कर रहे हैं मोदी जी के शक को आगे देखिए अपने स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं कर रही है, लेकिन गांव में जाकर अपने लाभ के लिए दूसरों को प्रभावित करने की अपनी पुरानी तरकीब अपना रही। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता खबरों में नहीं दिख रहे, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना स्पीच दे रहे हैं, इसलिए भ्रमित नहीं हो, यह कांग्रेस बोल नहीं रही है लेकिन यह गांव में पहुंच रही है और बैठक कर रही है। मतलब कांग्रेस अपनी रणनीति बनाई हुई है, उससे भी भाजपा को टेंशन, अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी, अरविंद केजरीवाल के कामों की उपलब्धि, उससे भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को, सबको टेंशन है। और खुद वहां पर आप देखिए कि गुजरात में कुर्सियां खाली रहने का सिलसिला, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े स्तर के नेता, उनका गौरव यात्रा में भारी विरोध, बायकॉट, उन्हें वापस भगाया गया गुजरातियों के द्वारा। तो ये सारे संदेश क्या कह रहे हैं, गुजरात में बदलाव की बयार बहने वाली है। अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे लगातार यह खबरें सामने आई, गुजरात सरकार के कर्मचारी, गुजरात की आम जनता, हर कोई सड़क पर प्रदर्शन कर रही है अपने हक के मांग के लिए। वहीं सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी भी अगर गुजरात आ रहे हैं या केंद्रीय मंत्री कोई आ रहा है तो वहां पर भी यह देखा जा रहा है लोगों ने दिलचस्पी दिखानी बंद कर दी है, या बीजेपी के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। अब देखना यह होगा
कि चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।